जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट। और आगे जो हमारी डिस्कशन थी फॉर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसकी डिस्कशन करते हैं। हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये काफी बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका हुआ है, और हमें भी कॉन्सेप्चुअली अगर हम यहाँ पे क्लियर होंगे जी कि वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट है या वो इलास्टिक डिमांड रखती है या इन इलास्टिक डिमांड रखती है, उन मामलात को अगर हम देख लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी और हमारे लिए बेहतर, हमें आसानी हो जाएगी उसको डिसीजन लेने में भी। अच्छा, वो मामलात कौन कौन से? कल मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस किए थे लेकिन थोड़ा सा तेज कर दिया था, इसलिए मैंने आई वुड लाइक टू री डू दिस। कौन से मामलात हैं? नेचर ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी की नेचर। अगर तो आपकी कमोडिटी है नेसेसिटी, नेसेसिटी इसके अंदर है, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, जो आपकी मजबूरी है, जरूरत है, आपने जरूर पर जरूर उनको खरीदना है, तो अगर उसकी कीमत बढ़ भी जाएगी, प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगी, तो आप क्वांटिटी डिमांड में शायद थोड़ी सी कमी करेंगे, बहुत ज्यादा क्वांटिटी डिमांड में कमी नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये नेसेसिटी है। दैट मीन्स कि अगर नेसेसिटी हो, आपकी प्रोडक्ट कोई जरूरत की चीज हो, नेसेसिटी होगी, तो वहां पे इन इलास्टिक डिमांड होगी। और कोई अगर आपकी प्रोडक्ट लग्जरी है, लग्जरी मीन्स, लग्जरी का मतलब क्या है कि ना मर्सिडीज कार या कोई आपके बड़े होटल का कोई खाना, वो लग्जरीज है, तो उसकी प्राइस अगर थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा कमी आएगी। रीजन क्या है कि वो लग्जरी है, आप अपने पैसे उसके ऊपर, आपकी जरूरत नहीं, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है उसको खरीदना, जिन लोगों ने खरीदना वो खरीदेंगे, लेकिन अगर कोई थोड़ी सी प्राइस चेंज करेंगे और आपकी उसकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर ज्यादा चेंज आ सकती है, तो यहाँ पे हमें इलास्टिक डिमांड नजर आती है कि दीज विल बी इलास्टिक डिमांड, जो ऐसी आइटम होंगी जिनको ऊपर हम अपनी मजबूर नहीं है एक्सपेंस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, लग्जरी को हम ये समझ लें मूवी देखना, और मूवी थिएटर हमारी जिंदगी की इसके बगैर भी चल सकती है, तो अगर मूवी की अभी 500 रुपए की टिकट है, वो 500 की जगह 700 हो जाती है या 800 हो जाती है, तो शायद हम ज्यादा लोग उसको रिड्यूस कर देंगे, जाना छोड़ देंगे, उसके ऊपर इस्तेमाल अपना इनकम स्पेंड करना छोड़ देंगे। फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं है, मोनोपोली, ओनली वन प्रोडक्ट, ओनली वन, कोई इस तरह की प्रोडक्ट देर नहीं आती, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, और कोई प्रोडक्ट है ही नहीं उसके मुकाबले। वापदान जी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रिसिटी किसी और से आप खरीदना चाहें तो नहीं खरीद सकते, पाकिस्तान के अंदर आपके सामने एग्जाम्पल है, तो इलेक्ट्रिसिटी की कीमत अगर बढ़ भी जाएगी तो क्या आप अपनी डिमांड को कम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो दैट मीन्स के आप अपनी सब्स्टिट्यूट ना होने की वजह से, बिकॉज यू कैन नॉट अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, आप ये नहीं कह सकते हैं कि यार अच्छा मैंने टीवी देखना है तो मैं बिजली की जगह पानी से टीवी चला लेता हूं, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, नो सब्स्टिट्यूट। तो जहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं है वहां पे इलास्टिसिटी विल बी लेस इलास्टिक, इन इलास्टिक, नो सब्स्टिट्यूट, इन इलास्टिक, मोर सब्स्टिट्यूट, मोर इलास्टिक। लोग एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरी प्रोडक्ट में चले जाएंगे, पेप्सी की कीमत बढ़ाई तो लोग कहेंगे अच्छा यार ठीक, चलो कोई नहीं कोक पी लेते हैं, कोक की भी बढ़ गई, पेप्सी की भी बढ़ गई, चलो यार हम नींबू पानी पी लेंगे, चलो नींबू पानी की भी बढ़ गई,
हम सादा पानी पी लेंगे. सब्स्टिट्यूट मौजूद है, जहां पे सब्स्टिट्यूट नहीं होगी वहां पे इनइलास्टिक डिमांड, जहां पे सब्स्टिट्यूट होंगे वहां पे मोर इलास्टिक डिमांड. ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपको इस नतीजे पर पहुंचने पर माइल करेंगे जो आपकी प्रोडक्ट है क्या वो इलास्टिक डिमांड रखेगी या इनइलास्टिक डिमांड रखेगी. तो हमने पहले देखा कि उसकी सब्स्टिट्यूट उसके क्या है, फिर हमने देखा कि उसकी नेचर क्या है, फिर हमने उसके यूजेस देखे. जैसे बिजली का इस्तेमाल हमने कल भी बात की थी, अगर एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल शू पॉलिश, अब शू पॉलिश का एक ही यूज है, अगर शू पॉलिश की प्राइस बढ़ती है तो क्या होगा, लोग इसको सब्स्टिट्यूट क्यों देखने की कोशिश करेंगे. कोई लोग कोशिश करेंगे कि इसको हम इसके इस्तेमाल इसकी जगह पर कुछ और यूज कर लें, और इसका क्योंकि एक ही इस्तेमाल है हो सकता है हम शू पॉलिश करना ही छोड़ दें, या चलो इतनी महंगी होगी हम पॉलिश नहीं करते, इसके बगैर भी सिर्फ पानी से साफ कर लेते. इसी तरह से अगर बिजली है जितनी मर्जी महंगी हो जाए आपको यूज करनी, क्योंकि आपका इस्तेमाल उसके बहुत ज्यादा है. Certain goods have different uses. Electricity is necessity for certain uses, while for other uses it is comfort or luxury. ठीक है जी, बिजली एसी के लिए इस्तेमाल करना कंफर्ट या लग्जरी में आएगा, लेकिन बिजली पंखे के लिए इस्तेमाल करना या लाइट के लिए इस्तेमाल करना शायद नेसेसिटी के अंदर आएगा. तो नेसेसिटी वाली चीजों के लिए आप गुड्स का इस्तेमाल करेंगे और बाकी चीजें मिलेगी. ड्यूरेबल पेरिशेबल गुड, अगर आपकी ड्यूरेबल गुड होगी तो वो इलास्टिक डिमांड होगी, और अगर पेरिशेबल गुड होगी तो उसकी इन इलास्टिक डिमांड होगी. प्राइस लेवल, आप किस तरह के प्राइस लेवल के ऊपर है तो उस प्राइस लेवल के हिसाब से आपकी डिमांड. अगर आप पहले ही बहुत लो प्राइस के ऊपर हैं, पहले ही बहुत लो प्राइस के ऊपर हैं, तो इसका मतलब है कि मजीद नीचे करके आप प्राइस मजीद नीचे करके डिमांड में ज्यादा इजाफा नहीं कर पाएंगे. और अगर पहले आप प्राइस हाई प्राइस के ऊपर थे तो इसका मतलब है कि आप प्राइस को रिड्यूस करके डिमांड में ज्यादा इजाफा कर पाएंगे. प्राइस लेवल की समझ आएगी. और इनकम लेवल, इनकम लेवल क्या है कि आपका कंज्यूमर फॉर रिच इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट क्वांटिटी इज इनइलास्टिक. जो अमीर लोग हैं उनके लिए मर्सिडीज की कीमत पहले 1 करोड़ थी, अब 1 करोड़ 10 लाख की हो जाए तो नो प्रॉब्लम, स्टिल इट्स अ मर्सिडीज, ब्रांड इज द ब्रांड, आई कैन पे 10,000 फॉर द ब्रांड, ओके इट डजंट मैटर फॉर मी. तो इंक्रीज उनको इफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर वही प्रोडक्ट गरीब लोगों के इस्तेमाल किया, फॉर एग्जाम्पल रोटी, रोटी की कीमत 3 रुपए से 5 रुपए होती है तो शोर मच जाता है. पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में चीनी 8 आने 50 पैसा चीनी में इजाफा हुआ था, तो एक तूफान आ गया था, उसके खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो गई थी. क्यों? क्योंकि वो लो इनकम लोगों के इस्तेमाल की चीज थी, और उसके ऊपर जब आपने ज्यादा ऐसे लोग इस्तेमाल करते थे जो कि लो इनकम के अंदर है, और जब उनकी प्राइस बढ़ी तो उनको डिस्टर्ब किया इनकम लेवल वालों लोगों को, और उनकी क्योंकि डिमांड उसकी इनइलास्टिक है, उनकी प्रॉब्लम आ गई कैपेसिटी के ऊपर. पेट्रोल गोज अप बाय 50 पर लीटर, फॉल बाय ₹50 पर लीटर, डिपेंड ऑन केस सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड फॉर रिच क्लास, बट गुड क्लास सिग्निफिकेंट चेंज इन डिमांड फॉर पेट्रोल 50 रुपए से बढ़ गए, जो गाड़ी में चलाता है टैंकी फुल कर लिया तो लोगों ने, और मोटरसाइकिल वाला जो 100 रुपए का पेट्रोल डलवाता था आपको उसको बड़ा मुश्किल लगेगा. कंज्यूमर लॉयल्टी, अब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है या नहीं इलास्टिक वो कंज्यूमर लॉयल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है. जैसे आजकल हमारे ब्रांड कॉन्शियस बहुत हो गए, हम पिछले कुछ सालों में ब्रांड कॉन्शियस हो गए, यार नहीं यार मैं तो आई ओनली गो फॉर दिस ब्रांड, आई ओनली wear this, I only take this, I only buy this. आप वो ब्रांड के साथ डिस्कस करते हैं, आप ये नहीं कहते कि जी कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. आप प्रोडक्ट की जगह कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम लेते हैं. जैसे हम
डायपर भी कहते हैं। डायपर हमें समझ नहीं आती, लेकिन हम पैंपर से समझते हैं कि पैंपर, इनफैक्ट पैंपर इज द ब्रांड और डायपर इज द रियल प्रोडक्ट। इसी तरह हम वॉशिंग पाउडर भी समझते हैं, हम सर्फ कहते हैं। या सर्फ कौन सा आता है? सर्फ इज द ब्रांड एंड वॉशिंग पाउडर इज बेसिकली द प्रोडक्ट। तो अब वो कंज्यूमर्स की ब्रांड लॉयल्टी जो थी वो इंक्रीज करती है थ्रू अब ब्रांड लॉयल्टी बनाने का तरीका क्या होता है? वो आप मार्केटिंग करते हैं, आप कंज्यूमर को लेकर आते हैं ताकि आप मार्केट में जाएं तो आप ये ना कहें कि मुझे डायपर चाहिए, आपकी पैंपर्स चाहिए और लोग फिर आप पैंपर्स परचेज करें। ठीक है, ब्रांडेड सेलर फोन और टैबलेट्स दी एप्पल का, सैमसंग का, बाकी और जीसू ब्रांड्स आ रहे होंगे लेकिन एप्पल का जो यूजर है वो एप्पल ही परचेज करेगा। ब्रांड लॉयल्टी उसको कीमत के बढ़ने से डिमांड कम करने का असर अंदाजी कम होगी। जहां पे आपकी ब्रांड की लॉयल्टी ज्यादा होगी, कंज्यूमर लॉयल्टी हाई होगी, वहां पे इन इलास्टिक डिमांड होगी, और जहां पे कंज्यूमर लॉयल्टी कम होगी, ब्रांड अपीयरेंस कम होगी, ब्रांड एक्सेप्टेंस कम होगी, वहां पे इलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर है? और टाइम, इमरजेंसी फॉर एग्जाम्पल लाइफ सेविंग ड्रग्स, कुछ ऐसी सिचुएशन है जब जिंदगी मौत का मसला है तो फिर उस वक्त आप डिमांड को बदल नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते। जितनी मर्जी कीमत है, एक रुपए की भी दवाई होगी आपने खरीदनी है, एक लाख रुपए की भी दवाई होगी आपने खरीदनी है, इसलिए उस वक्त आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो जाती है अगर कोई इमरजेंसी है। गुड लाइक हाउसेज, मोटर कार वगैरह, इनकी डिमांड इलास्टिक है। हाउस आज खरीदने, कल खरीदने, अगले साल खरीदने, उससे अगले साल खरीदने, गाड़ी आज नहीं उसको आप डेफर कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। अच्छा जी, पोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा करते हैं आपकी प्रोडक्ट का, वो भी एक डिपेंडेंट है। आप मार्केट में जाते हैं और कहते हैं जी कि मुझे माचिस की कीमत बहुत बढ़ गई है, पहले 5 रुपए की एक माचिस थी अब 10 रुपए की होगी, लेकिन आप अपना खर्चा शायद माचिस खरीदने का, पहले भी अगर एक पैकेट खरीदते थे, अब भी आप एक पैकेट खरीद लेंगे। क्यों? क्योंकि माचिस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा अपनी इनकम का स्पेंड नहीं करते, लेकिन वही अगर चीनी की कीमत 5 रुपए बढ़ जाए तो चीनी आपकी प्रोडक्ट एक ऐसी है जो कि घर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो 5 रुपए से एक अच्छा सा डेंट महसूस होगा, तो इस वजह से आपको उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा। आटे की कीमत 5 रुपए बढ़ जाए तो आपका, क्योंकि इस्तेमाल उसका बहुत ज्यादा है, आप उसके ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, तो आपको डेफिनेटली उसके ऊपर अपने इस्तेमाल को शायद रोकने की कोशिश करनी पड़े, शायद नेसेसिटी है आप ना कर सके, लेकिन क्योंकि आप मेजर पोर्शन उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं। इस तरह से एलईडी, आप गाड़ी, कोई वो चीजें आप खरीदते हैं उसके अंदर अगर कीमतें बढ़ती हैं तो आप अपनी कंजम्पशन को उसके ऊपर रोकेंगे, क्योंकि मेजर आपकी इनकम का पोर्शन वो खरीद खर्च उसके ऊपर हो जाता है। क्लियर है? ये वही बातें हैं जो हमने पहले की है। परफेक्टली इलास्टिक वैल्यू इंफिनिटी, स्मॉलेस्ट प्राइस राइज विल एक्सट्रीमिश डिमांड। इंफिनिटी दिस इज आवर डिमांड कर्व, सर्टन प्राइस के ऊपर डिमांड है, आपने प्राइस इतनी की डिमांड कुछ भी नहीं है, डिमांड कुछ नहीं, प्राइस आप इंक्रीज करेंगे डिमांड जीरो हो जाएगी। इलास्टिक बिटवीन वन एंड इंफिनिटी, बिटवीन वन एंड इंफिनिटी दैट इज मोर देन वन, इलास्टिसिटी इज मोर देन वन। डिमांड represents strongly to the price, cut price to raise revenue। अब ये क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखिए कंसीडर चीज़ है।
वो कह रहे हैं इलास्टिक है डिमांड। इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या है कि आपकी परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस, इलास्टिक डिमांड हमने क्या पढ़ा था, इलास्टिक परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अब इससे फायदा किस तरह उठा सकते हैं, एज ए प्रोड्यूसर हम इस मकसद का, इलास्टिक डिमांड का फायदा किस तरह उठा सकते हैं। उसने कहा आप अगर आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इफ प्राइस इंक्रीज करेंगे, प्राइस में थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा, उससे आपके रेवेन्यूज कम हो जाएंगे, आपकी इनकम ज्यादा कम हो जाएगी। आप प्राइस बढ़ा के जो प्राइस बढ़ाते क्यों है, प्राइस बढ़ाए बढ़ाई की जाती है, प्राइस क्यों बढ़ाई जाती है, किसी भी प्रोडक्ट प्राइस क्यों बढ़ाती है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, इसीलिए कंपनी प्राइस बढ़ाएगी ना। तो वो कहता है कि जब आपकी इलास्टिक डिमांड होगी ना, आपके प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड होगी, तो फिर भाईजान जरा थोड़ा सा ध्यान से, आप थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज करेंगे, क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा फर्क आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है प्राइस की 10, क्वांटिटी डिमांड की 100, रेवेन्यू प्राइस क्वांटिटी डिमांड एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू था 1000 फॉर एग्जाम्पल। अब आपका ख्याल था कि ये मेरी तो मैं प्राइस को करता हूं 20 करूंगा, क्वांटिटी डिमांड 100 है तो मेरी 2000 मेरा रेवेन्यू लेगा, रेवेन्यू मैं बढ़ा दूंगा। लेकिन ये वो कहते हैं भाई जान, ये क्योंकि आपकी इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब है परसेंटेज चेंज इन योर क्वांटिटी डिमांड विल बी मोर देन द परसेंटेज चेंज इन योर प्राइस। व्हाट दैट मीन, दैट मीन्स यू विल बी ओनली गेटिंग अराउंड 40 फॉर एग्जाम्पल। अगर आपका प्राइस में 100% इजाफा हुआ है तो 100% से ज्यादा आपकी कमी आ जाएगी परसेंटेज वाइज। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप 800 पे आ जाएंगे, आपका रेवेन्यू डिक्रीज हो जाएगा। तो हम कहते हैं क्या करें, किस तरीके के साथ इस सिचुएशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहते हैं इस सिचुएशन को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने रेवेन्यू को प्राइस को डिक्रीज करें, आप अपनी प्राइस को 8 रुपए करें, 20% प्राइस रिड्यूस करेंगे, 20% से ज्यादा आपकी क्वांटिटी डिमांड में इजाफा होगा, हो सकता है 130 हो जाए। आपके रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा, प्राइस में रिडक्शन थोड़ी आएगी, क्वांटिटी डिमांड में इजाफा ज्यादा होगा, क्योंकि आपकी आपने ये आइडेंटिफाई किया कि इलास्टिक डिमांड है। क्लियर, जो ये कट प्राइस टू रेज रेवेन्यू, देन यूनिट इलास्टिक, जितने परसेंट आपकी प्राइस रिड्यूस करेंगे उतने परसेंट ही आपकी क्वांटिटी में भी फर्क आएगा। डिमांड रिस्पॉन्ड इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू प्राइस, प्राइस चेंज डू नॉट इफेक्ट रेवेन्यू, रेवेन्यू के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने 10 रुपए से 20 रुपए किया, आपके 50 हो गई तो 1% कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा आपका। अगर आपने सेम प्रोपोर्शन के अंदर यूनिट इलास्टिक अगर आपकी डिमांड है, नो चेंज, नो इफेक्ट ऑन रेवेन्यू। इन इलास्टिक के अंदर क्या होता है, वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 और डिमांड रिस्पॉन्ड वीकली टू प्राइस रेज प्राइस। अब कहते हैं प्राइस बढ़ा दो, प्राइस बढ़ाओगे 20 करोगे तो ये 50 तक नहीं जाएगा, ये 80 पे चला जाएगा, तो आपका रेवेन्यू 1600 हो जाएगा। क्या है आता है, क्योंकि इन इलास्टिक है ना, डिमांड में फर्क नहीं आना, तो आप प्राइस बढ़ा के यू विल बी मोर इफेक्टिवली यूजिंग इंक्रीजिंग योर रेवेन्यू ऑफ योर इनकम। सो आप इसको बढ़ा दें प्राइस,
price is inelastic, value of zero. Demand totally unaffected by price. Inelastic, perfectly inelastic. आप प्राइस एक रखें, एक लाख रखें, डिमांड के ऊपर उतनी है जितनी है, उससे ज्यादा नीचे ऊपर नीचे कुछ नहीं होना डिमांड में. क्लियर है? अच्छा, इसी से हम आज एक्सपेंडिशन मेथड. अब ये अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने इलास्टिसिटी की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, फिर हमने देखा कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे डिटरमिनेंट्स हैं जिनकी बेस के ऊपर इलास्टिस आप ये देख सकते हैं कि आपकी डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी. नेचर के ऊपर देखा, सब्स्टिट्यूट के ऊपर देखा, इनकम के ऊपर, पोर्शन के ऊपर देखा, आपके बाकी जो मामला सारे हमने पढ़े उनके ऊपर देखा, तो हमें पता चला कि ये चीजें अगर होंगी तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो इलास्टिक या इनइलास्टिक डिमांड रहेगा. अब तक हमने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ी, फिर हमने कहा कि हाउ दिस इलास्टिसिटी कैन बी मेजर. तो वो तीन डिफरेंट हमें तरीके मेथड्स बताते हैं. एक कहते हैं नहीं कि एक तो हमने देखा था जो फॉर्मूले से किया था उसको भी हम छोड़ दें. अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड की बात कर रहे हैं. एक्सपेंडिचर मेथड आप एक्सपेंडिचर मेथड क्या, आप कहेंगे सर एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड के जरिए से आप ये देखना चाहें कि जनाब कोई प्रोडक्ट आपकी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस तरह कर लीजिए कि कंज्यूमर का उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा प्राइस की तब्दीली के साथ कम होता है या ज्यादा होता है या उतना ही रहता है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो प्रोडक्ट इलास्टिक है, जिनर इलास्टिक है, इनइलास्टिक है. किस तरीके के साथ, किस रास्ते से हमें इलास्टिक और नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक की कैलकुलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पे इकोनॉमिस्ट, वो हमें थ्रू द यूज ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड कंज्यूमर ने उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कितना किया, उस प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कर्टेल कर लिया, रोक लिया, कम कर दिया, या उसका खर्चा ज्यादा हो गया, बढ़ गया, या खर्चा उतना ही रहा, तो इन तीनों सूरतों के अंदर हमें जवाब मिल जाएगा कि हमारी प्रोडक्ट इलास्टिक है, इनइलास्टिक है, ये यूनिट इलास्टिक है. अच्छा, अब वो कैसे एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी एन एग्जांपल. प्राइस, क्वांटिटी, डिमांड. अब एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट होता है किसी भी शख्स का, किसी भी उसको क्या चीज चाहिए कि मेरी प्राइस कितनी है, प्राइस इनटू क्यू. आपने जी पेट्रोल खरीदना है या 10 लीटर पेट्रोल खरीदा है, 50 रुपए लीटर है, दैट मींस प्राइस इज 50. कितना खरीदा, 10. तो टोटल स्पेंडिंग कितनी की आपने, 500. क्लियर है? प्राइस इनटू क्वांटिटी. आप एक्सपेंस एक्सपेंडिचर आप ढूंढ सकते हैं किसी भी चीज का. आप ब्रेड खरीदने गए, दो ब्रेड खरीदनी है, 100 रुपए की एक ब्रेड है, दैट मीन्स 100 इंटू टू, दैट इज 200. ब्रेड के ऊपर आपने कितना खर्चा किया, 200 का. तो आपको प्राइस चाहिए एंड क्वांटिटी चाहिए. और यहां पर देखिए प्राइस और क्वांटिटी. प्राइस वाज 2, देन क्वांटिटी वाज 10. इफ प्राइस राइज टू 4, क्वांटिटी फॉल टू 8. एक्सपेंडिचर देखें, टोटल एक्सपेंडिचर टीई हम करें, टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज 20, दैट इज 32. टोटल एक्सपेंडिचर 32. अब एक और एग्जाम्पल देखें, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर. इफ प्राइस वाज 2, क्वांटिटी डिमांड वाज 10,
total expenditure 20. Then if price rise to 4, quantity demand falls to 5, total expenditure 20. Then again, price, quantity demand, total expenditure. Price is 2, quantity demand is 10, total expenditure is 20. Price rise to 4, total quantity demand fall to 2, total expenditure is 8. अच्छा जी अब वो क्या कह रहे हैं वो समझाने की कोशिश करता है कि भाई साहब ये देखिए जहां पे प्राइस इंक्रीज होने के साथ आपका टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए इसका मतलब है कि वो आपकी इन इलास्टिक डिमांड और जहां पे प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज के साथ आपके टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क ना पड़े वो यूनिट इलास्टिक डिमांड और जहां पे प्राइस इंक्रीज होने के साथ आपके टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए वो आपका इलास्टिक डिमांड क्लियर एक तो हमने बात की टोटल एक्सपेंडिचर में प्राइस इंक्रीज हो आपका टोटल स्पेंडिंग बढ़ जाए टोटल स्पेंडिंग में भी इजाफा हो जाए इन इलास्टिक प्राइस इंक्रीज हो टोटल स्पेंडिंग सेम रहे यूनिट इलास्टिक प्राइस इंक्रीज हो टोटल स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाए इलास्टिक और इसका 22 वर्षा भी देखें अगर 4 रुपए प्राइस की और 8 यूनिट से और 8 रुपए और 2 रुपए प्राइस पे 10 यूनिट इनवर्स 22 वर्षा आप देखा हूं मैं 22 वर्षा अगर प्राइस रिड्यूस हो और आपकी टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस हो जाए यहां पे डायरेक्ट रिलेशन प्राइस इंक्रीज टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज प्राइस रिड्यूस टोटल एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस डायरेक्ट रिलेशन तो वो इन इलास्टिक डिमांड की किस्म होगी वहां पे इन इलास्टिक डिमांड है दोनों प्राइस में जो चेंज है और टोटल एक्सपेंडिचर में चेंज है वो सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं और यूनिट इलास्टिक में चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहता है वो यूनिट इलास्टिक है और दूसरी ध्यान बात है अगर प्राइस डिक्रीज हो और आपका टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स वहां पे इलास्टिक ठीक है जी टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इन इलास्टिक के अंदर दैट विल बी एन डायरेक्ट रिलेशनशिप और इलास्टिक डिमांड के अंदर दैट विल बी एन इनडायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप दैट विल बी एन इनवर्स रिलेशनशिप और यूनिट इलास्टिक में सेम रहेगा कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं वो कहते हैं सर ये समझ नहीं आई कि ये हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे तो वो सादा सा तरीका कि जनाब जो इलास्टिक होगा उसमें प्राइस और जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा और जो इन इलास्टिक है जो इन इलास्टिक होगा उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप और इलास्टिक में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप क्लियर है मुश्किल है अच्छा कोई मुश्किल अच्छा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इलास्टिक और नॉन इलास्टिक की ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दो एक्सट्रीम्स की देख ली है एक हमने देखी
elasticity is equal to infinity, that is perfectly elastic. और एक हमने देखी इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो दैट इज परफेक्टली इन इलास्टिक जब बिल्कुल आपकी स्लोप फ्लैट स्लोप है तो आपकी परफेक्टली इलास्टिक है जी और जब आपकी बिल्कुल स्टीप स्लोप है 90 डिग्री के एंगल पर स्टीप स्लोप है आपकी डिमांड कर्व की तो आपकी परफेक्टली इन इलास्टिक है तो जनाब हमने तो एक और भी पढ़े हुए हैं हमने कहा था इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 और इलास्टिसिटी इज मोर देन 1 ये दो बातें जो हमने पढ़ी तो इनके दरमियान में कहां पे हम लाई करेंगे इस सिचुएशन में जहां पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 दैट इज हमने इसको कहा था रिलेटिवली इन इलास्टिक रिलेटिवली इन इलास्टिक इसकी डिमांड कर्व ये प्राइस है कौन की है price quantity. इस सिचुएशन में जो हमारी डिमांड कर्व होगी दैट विल बी बिटवीन हमारे 45 डिग्री के एंगल से ज्यादा ना 90 डिग्री के ऊपर ना 45 ये तकरीबन हमारी स्लोप स्टीप स्लोप होगी कितना और कितने के दरमियान 45 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल के दरमियान में जो स्लोप है दैट विल बी आवर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कर्व और रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होगी रिलेटिवली इलास्टिक आपकी 45 और 180 के दरमियान का जो कर्व है ये देखो 45 से नीचे हो जाएगी और 180 से आपकी तो ये स्टीप होगी ये फ्लैटर होती जाएगी जितनी जितनी इलास्टिक ज्यादा होगी उतनी फ्लैटर के नजदीक जाती जाएगी परफेक्ट से इलास्टिक के नजदीक चली जाएगी और जितनी ये इन इलास्टिक होती जाएगी उतनी ये स्टीप होती जाएगी और ये परफेक्टली इन इलास्टिक के पास चली जाएगी डिमांड कर्व परफेक्टली इन इलास्टिक और परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक कहां पर होगी जो हमने E इज इक्वल टू 1 कहा था वो 45 डिग्री एंगल के ऊपर होगी बिल्कुल यहां पर 45 डिग्री का एंगल समझ में क्लियर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी हमें पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक की तो हमको पता है कि ये स्ट्रेट लाइन है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ स्ट्रेट है परफेक्टली इलास्टिक है परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें वर्टिकल लाइन स्ट्रेट हमारा रिलेटिवली इलास्टिक की बात करें तो 45 डिग्री एंगल से कम और 180 डिग्री एंगल से उसके आसपास की और 45 डिग्री से ज्यादा 90 डिग्री एंगल की होती और यूनिट इलास्टिक एग्जैक्ट 45 डिग्री एंगल के ऊपर डिमांड कर क्लियर है अंडरस्टूड चल लेट्स कंक्लूड फॉर टुडे आज के दिन के लिए हम और मंडे को आपका टेस्ट होगा जो इस दफा हमने पढ़ा और उसके बाद फिर हम मंडे को मिलते हैं मुलाकात करते हैं जी अल्लाह हाफिज़